वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मजे का, बहुत ही यम्मी, बच्चों का फेवरेट, बड़ों का फेवरेट बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल पुडिंग, बहुत ही मजे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बनाना। कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है नेस्ले मिल्क पैक फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर, चीनी लेंगे हम 8 टेबल स्पून, कस्टर्ड पाउडर लेंगे हम यहाँ पे 4 टेबल स्पून, हमने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और हमें बाकी चीजें चाहिए। यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली है, हस्बैंड जरूरत आप जितनी मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। कॉकटेल लिया है हमने 1 डिब्बा कॉकटेल का, उसका पानी हम लेंगे मतलब जूस जो होता है वो 1 कप है। और यहाँ पे हम फ्रूट केक का इस्तेमाल करेंगे, 1 फ्रूट केक है मतलब 1 पाउंड का। और यहाँ पे हम जेली लेंगे स्ट्रॉबेरी वाली 1 अदद और बनाना जेली लेंगे हम 1 अदद और हम इसमें यूज करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेरी व्हिपिंग क्रीम 1 पैकेट। तो ये चीजें चाहिए हमें फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल पुडिंग बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाते हैं। नेस्ले मिल्क पैक फुल क्रीम मिल्क लेंगे हम कस्टर्ड पाउडर में मिक्स करने के लिए। चल अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको साइड पे कर देंगे। एक बर्तन लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे नेस्ले मिल्क पैक फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर, दूध में बॉयल आने देंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने दूध को तब तक पकाना है जब तक चीनी दूध में ना अच्छी तरह से खल ना हो जाए। ये देखें जी, चीनी जो है ना दूध में अच्छी तरह से खल हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। चलें भाई जी, कस्टर्ड को हमने बिल्कुल पतला नहीं रखना, थोड़ा थिक सा रखना है, ठीक है, पतला बिल्कुल नहीं रखना। चलें अब फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको करते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे हम करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेरी व्हिपिंग क्रीम को बीट। और यहाँ पे हमने चीनी ली है 2 टेबल स्पून और 1 ड्रॉप लिया है हमने वनीला एसेंस का। तो चलें अब क्रीम को निकालते हैं। तो ये देखें जी, नेस्ले मिल्क पैक डेरी व्हिपिंग क्रीम जो है ना, इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया। इसको मैंने तकरीबन 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। कुछ लोग ऐसा करते हैं जल्दी ठंडा करने के लिए उसको फ्रीजर में रख देते हैं, उसको फ्रीजर का झटका देते हैं ना, जिस वजह से वो अच्छे से बीट नहीं होती, बिल्कुल भी खराब हो जाती है, अच्छे से बीट नहीं होगी। अब मैं आपको इसको बीट करके दिखाऊंगी कि इसकी जो मतलब बीट का रिजल्ट जो है ना वो कैसा आया। अब इसको बीट करेंगे। थोड़ा सा बीट किया, अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, चीनी और वनीला एसेंस, बीट करेंगे। तो ये देखें जी, जब मैंने उसको 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा, अच्छे से ठंडा किया और इसका रिजल्ट ऐसा है, ये देखें। बस आपने एक बात याद रखनी है, इस क्रीम को ठंडा करने के लिए आपने फ्रीजर में नहीं रखना, इसको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में अच्छे से ठंडा करके फिर आपने बीट करना है। तो चलें भी अब इसको रेडी करते हैं। 2 डिश ले ली हमने यहाँ पे। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम केक लगाएंगे। चलें और अब हम इसके ऊपर जूस लगाएंगे इसको सॉफ्ट करने के लिए। जो कॉकटेल में से जूस निकला था वही हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। तकरीबन ना 2 टेबलस्पून हमने लगाया है। अब जाएंगे फ्रूट्स मतलब कॉकटेल, जेलीज, स्ट्रॉबेरी जेली, बनाना जेली, अब जाएगा कस्टर्ड ठंडा करके, ये नहीं कि गरम गरम डालना है, ठंडा करके आपने इसके ऊपर इस तरह। चले और अब जाएगी क्रीम। चलिए अभी अब यहाँ पे हम लगा देंगे स्ट्रॉबेरीज। तो तैयार है बहुत ही मजे की फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल पुडिंग। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। इसे ना आपने अच्छी तरह से ठंडा करना है, तकरीबन आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए अच्छी तरह से फ्रिज में ठंडा करें, उसके बाद इसको सर्व करें, फिर आपको मजा आएगा, वरना आप इस तरह करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरह से आप रख दें फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए, उसके बाद सर्व करें। तो अगर आपको ये फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके किसी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।